वोट के दौरान अधिकारी करवा रहे हैं ये गलत काम, ये कहना है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का। गुरुवार को आरोप लगाकर उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। मायावती ने अपने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के वर्तमान चुनाव के दौरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका लगातार संदिग्ध बनी हुई है, भाजपा के प्रति मददगार बनी हुई है, जो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया एवं मंशा के प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पर चुनाव आयोग को तत्काल कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। मायावती ने कहा कि आज हस्तक्षेप के बाद हालांकि बुलंदशहर सीट से भाजपा के प्रत्याशी को चुनाव के दौरान गलत व गैर कानूनी काम करने से रोककर नजरबंद तो कर दिया गया, लेकिन उनसे जिले में कलेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा क्यों नहीं की गई, जिनके आदेश पर ही भाजपा प्रत्याशियों को मतदान केंद्र के अंदर जाकर चुनाव के अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस संबंध में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दूसरे अधिकारी अगले चरण में ऐसा गलत कार्य करने से थोड़ा डरें। मायावती ने चुनाव आयोग से मांग की कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए वह पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को भाजपा प्रति पक्षपाती रवैया अपनाने से रोकने तथा शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करना जरूरी है, ताकि कांग्रेस बीजेपी गलत तरीके से अपनी ताकतों का इस्तेमाल ना कर सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।